बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब, उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। मैं कैफुल्ला आजमी और आप सभी को मेरा ब्लॉग में स्वागत है। तो अभी ना शाम के तकरीबन जो है 4 बजने को है और हम अभी घर पे आए हुए हैं। आज स्कूल में जो है बहुत सारे प्रोग्राम हुआ और क्योंकि आज गांधी जयंती था, यानी हमारा जो हमारे देश का राष्ट्रपिता है उनका जन्मदिन था, तो उनके जो है ना हम लोग प्रोग्राम किए स्कूल में और घर पर आ गए। तो अभी जो है ना मौसम बहुत ही प्यारा बना हुआ है, बारिश भी हो रही है, हल्की हल्की हवाएं बहुत ज़्यादा चल रही है तेज़ से। और हम अभी ना इधर आके बैठ गए हैं और सोचे कि थोड़ा सा आपसे बातें कर ली जाए। और जो मैंने आज वीडियो बनाया है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि हमने आज क्या क्या किया है ना। तो आप लोग जो है आप लोग बताइए आप लोग की तरफ मौसम कैसा है। हमारे तरफ तो हल्की हल्की सी ठंड आ गई है, आप लोग की तरफ ठंड है कि नहीं है ये भी हमें ज़रूर बताइएगा। तो और हमारा वीडियो कैसा लगता है ये भी आप हमें ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर करिएगा और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए आपको जो है ना हम अपना वीडियो दिखाते हैं आज वाला, क्या क्या हमने किया है और कहाँ कहाँ हम गए। तो अभी देखिए हमारे स्कूल में जो ना हेड मास्टर जो है वो फूल चढ़ा रही हैं ये गांधी जी पे, और उसके बाद जो है नरेश सर चढ़ा रहे हैं फूल, और बारी बारी से सारे लोग जो है ना फूल जो है उन पे जो है चढ़ा रहे हैं। और क्योंकि आज जो है ना आज 2 अक्टूबर है और 2 अक्टूबर को हमारे गांधी जी का जो है ना जन्म हुआ था, और ये हमारे जो है ना भारत का राष्ट्रपिता कहलाते हैं, क्योंकि इनका जो है ना आज़ादी में बहुत बड़ा जो है योगदान रहा था। तो सारे लोग जो है ना अपना जो है इनको फूल जो है अर्पित करके जो है इनको याद कर रहे हैं। सारे लोग देख सकते हैं अपनी वीडियो के माध्यम से। तो ये जो है ना हमारे स्कूल का, ये हमारे एरिया का जो है ना CRC जो हम लोग का होता है वो CRC स्कूल का, ये देखिए कितना खूबसूरत यहाँ पे पेंट किया गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक नारा भी दिया गया, बहुत ही खूबसूरत। हम अभी जो है ना चाकंद बाज़ार में पहुँच चुके हैं। ये है जो है एक दुकान है यानी होटल है, और हम और अतुल सब जो है ना आज समोसा और जो है ना मिठाई लेने के लिए यहाँ पहुँच चुके हैं, क्योंकि आज जो है ना गांधी जयंती है। तो इस मौके पर जो ना टीचरों के बीच में हम लोग नाश्ता का इंतजाम किए हैं, उसके लिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं बाज़ार का कुछ हिस्सा हम आपको दिखाएंगे और कुछ हिस्सा यहाँ का। तो ये देखिए ये जो है सामने आपको समोसा और लंगलत्ता दिख रहा है, तो ये हमारे एरिया का जो बहुत ही फेवरेट चीज़ माना जाता है समोसा और लंगलत्ता। तो आपको और इधर दिखाते हैं, इधर देखिए कितनी सारी मिठाइयाँ इस साइड में रखी हुई हैं, देखिए कई तरह की मिठाइयाँ आपको है यहाँ पे। ये दुकान जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे, और इस एरिया में देखिए इधर फ्रिज वगैरह भी रखा हुआ है, आप देख सकते हैं चारों तरफ से इस होटल को। ये चाकंद बाज़ार में है, ये देखिए बाहर के जो सामने भी होटल एक है और मिठाई बहुत सारा। ये जो है ना चाकंद बाज़ार के एरिया है, ये बीच का बाज़ार का थोड़ा सा हिस्सा मैंने एक जो है इस साइड को आपको दिखा रहे हैं, और सब्ज़ी वगैरह भी यहाँ पे बिक रहा है, इस साइड में भी सब्ज़ी बिक रहा है। और इस साइड में देखिए आज जो है ना बाज़ार में कुछ ज़्यादा भीड़ नहीं है, क्योंकि बारिश हो रही है इस वजह से भीड़ बाज़ार में नहीं है। तो हमारा जो है ना मिठाई अभी पैक हो चुका है, और ये देखिए मिठाई इधर, ये जो है काला जामुन हम इसको बोलते हैं, और नीचे पेड़ा देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये भी मिठाई आपको दिख रहा है, एक से एक तरह का मिठाई यहाँ पे देख सकते हैं कितना खूबसूरत। नीचे में लड्डू है, बहुत सारा लड्डू है यहाँ पे, और ये इधर जो है कई मिठाइयाँ, और ये हम मिठाई लिए हैं जिसका नाम है रसकदम। तो अभी हमने यहाँ पे टेस्ट करेंगे स्पंज और काला जामुन का, तो आप देख सकते हैं वो हमें जो है निकाल कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे ना अतुल सर जो है ना स्पंज का इसका टेस्ट ले रहे हैं। तो सर कैसा लगा आपको, अच्छा लगा सर, अच्छा लगा सर। तो यहाँ पे हम जो है ना हम भी खा रहे हैं, और ये हमारा देखिए समोसा भी आ गया है। तो हमने ना जो अभी मिठाई ले लिया, समोसा ले लिए हैं, और अभी जा रहे हैं स्कूल, स्कूल में चलते हैं और फिर जो है ना आपको दिखाते हैं कि स्कूल में आज क्या क्या लग रहा है। तो अभी ना देखिए मौसम बहुत ही प्यारा बन चुका है और शाम का वक्त है, और जो है ना बादल में ना बारिश के जो चांसेस बना हुआ है, और लोग जो है ना अभी अरकम छत पे जो है हल्ला कर रहा था कि देखिए ना अब्बू
पानी आए, पानी है कितना तेज़ी से। तो देखिए बादल में जो है ना, ऊपर में कितना तेज़ी से जो है ना बादल जो है इधर से उधर हो रहा है। और अरकम से बातें करेंगे, तो आइए जो है ना पहले अरकम से मिलते हैं और उनसे बातें करते हैं। क्या हो रहा है अरकम? हाँ? क्या हुआ? ऊपर पानी आया है। अरे क्या होगा? हाँ? क्या होगा? इधर पानी किधर? इधर ऊपर और किधर? उधर चारों तरफ पानी। हा? पानी है या? कहाँ है? ऊपर में। ओहो उधर उधर भी है। ओहो क्या बात है।